आइए बच्चों 6.2 का दूसरा सवाल करते हैं। एक चित्र जो दिया गया आपके लिए हमने बना दिया है, कह रहा है आकृति में डी त्रिभुज एबीसी के कर्ण एसी पर स्थित एक बिंदु है, जबकि बीडी लंब है एसी पर तथा डीएम लंब है बीसी पर और डीएन लंब है एबी पर। तो ये कुछ बातें आपको सिद्ध करनी है, मतलब एक राइट ट्रायंगल दिया गया है, इसमें बी से एक परपेंडिकुलर डाला गया है एसी पे बीडी, फिर डी से एक परपेंडिकुलर डाला गया है डीएम बीसी पे और फिर डी से एक परपेंडिकुलर डाला गया है डीएन एबी पे और कुछ आपको प्रूफ करना है। तो चलिए सबसे पहले लिख लेते हैं, दिया है और साथ में यहाँ पर और तो कुछ कहा नहीं गया कि कौन सा समकोण त्रिभुज है, एक कोण बी के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। त्रिभुज ए बी सी का कर्ण, अच्छा सॉरी ए बी सी का कर्ण है, मतलब ये भी एक समकोण त्रिभुज दिया गया है। कर्ण तभी होगा जब बिंदु बी बी बच्चों 90 अंश का होगा, तभी ऐसी कर्ण होगा। तो सबसे पहले लिखते हैं दिया है गिवेन त्रिभुज, या ऐसे लिखते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी में, सबसे पहले बी डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी, डी एन इज परपेंडिकुलर टू ए बी एंड डी एम इज परपेंडिकुलर टू बी सी। अब आ जाते हैं सिद्ध करना है क्या, टू प्रूव मतलब सिद्ध करना है हिंदी भाषा में। सिद्ध करना है, शायद दो पार्ट है इसमें, पहला पार्ट है सिद्ध करना है हमें, दो पार्ट है। पहला पार्ट डी एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी एन इंटू एम सी, डी एन इंटू एम सी। चलिए बच्चों पहला पार्ट कर लेते हैं पहले, उसके बाद फिर दूसरा पार्ट नोट करेंगे। तो देखिए कहाँ है डी एम, ये डी एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी एन, ये डी एन इंटू एम सी ये। चलिए आ जाते हैं सिद्ध करना है हमें प्रूफ में, मतलब उत्पत्ति पे। बहुत आसान है ये, अभी आपको लगेगा। देखिए देखिए जरा ध्यान से, इसको अगर हम ये त्रिभुज केवल ऐसा ले लें, बड़े ध्यान से समझिएगा। अभी हम लोगों ने जो पाइथागोरस थ्योरम का डेरिवेशन किया है उसमें जो कुछ इक्वेशंस बनी थी वो बहुत ज़रूरी है बच्चों क्वेश्चंस को करने के लिए, और मैक्सिमम क्वेश्चंस में वो अप्रोच अप्लाई होती है। देखिए ये यहाँ पे तो 90 अंश है, देखिए यहाँ पर बी डी लंब था ना, इसका मतलब ये सी डी भी एक समकोण त्रिभुज हो गया और यहाँ से हमने इस पर एक लंब डाल दिया है। तो बच्चों हमने कई बार ये सिद्ध किया है कि ये वाला त्रिभुज इसके समरूप है और ये कोण इसके बराबर आता था, ये वाला कोण इसके बराबर आ जाता था। कैसे आता था हम कई बार आपको बता चुके हैं, इसमें भी वो बात बता देंगे, चिंता ना करिए। तो उस दशा में ये त्रिभुज और ये दोनों त्रिभुज समरूप होते थे और समरूप होने के बाद जब हम प्रोपोर्शनलिटी लगाएंगे तो कुछ इस प्रकार का रिजल्ट बनेगा, मगर हमें लाना इसमें डी एन है, तो डी एन नहीं आएगा, डी एन की जगह बच्चों बी एम आएगा। तो हम क्या करेंगे कि बी एम और डी एन आपस में बराबर है, क्योंकि ये देखिए ये 90 ये 90 ये 90, तो ये चौथा वाला भी 90 हो जाएगा और ये आयत बन जाएगा, तो आयत के सामने सामने भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए डी एम और डी एन आपस में बच्चों बराबर हो जाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, तो भी हम इसको इसकी जगह इसको रिप्लेस कर देंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इन दोनों त्रिभुजों को समरूप कर लेते हैं। तो अब इन दोनों त्रिभुजों को समरूप करने के लिए पहले हम क्या करेंगे कि जो कोण हमें बराबर लाना है ये वाला कोण इसके बराबर ले आएंगे और उसके बाद ये वाला कोण इसके बराबर, या एक ही को बराबर ले आए तो बाकी दो तो 90 ही हो जाएंगे तो काम चल जाएगा, ये इसके बराबर ले आए तो ही काम चल जाएगा क्योंकि ये दोनों अगल बगल 90 ही हैं। तो चलिए ये वाला कोण इसके बराबर लाते हैं, कैसे लाएंगे देखिए ज़रा, कई सारी अप्रोचेस हो सकती हैं इनको इक्वल लाने की। तो अगर हम सबसे पहले देखिए एक काम ये करें कि त्रिभुज सी डी बी में देखें, तो सी डी बी में कोण सी, इसको अच्छा ऐसा करते हैं इसको हम मान लेते हैं इतने कोण को ए नंबर, इसको कोण ए मान ले रहे हैं। तो अब देखिए ज़रा त्रिभुज सी डी बी में सी प्लस 90 प्लस ए 180 बराबर होगा, तो सी वाला आ जाएगा 90 माइनस ए, उसी तरह से इस त्रिभुज में ये भी 90 माइनस ए आ जाएगा। तो इसको हमने चित्र में ही ए ले लिया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों। तो सबसे पहले लिखेंगे समकोण त्रिभुज सी डी बी में, देखिए
CDB दिख रहा है सभी को? CDB में इसमें कोण C धन, ये D वाला 90 है और उधर ये B वाला कोण कोण A है, तो बराबर 180 अंश होगा बच्चों, और कोण C इस दशा में आ जाएगा, 90 को उधर घटाएंगे तो 180 में से 90 घट जाएगा, 90 बचेगा और ऋण कोण A हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर एक बना के छोड़ देंगे। उसी प्रकार से बच्चों हम समकोण त्रिभुज D, बिल्कुल उसी टेक्निक से समकोण त्रिभुज DMB की बात करेंगे। DMB में देखिए सभी को DMB दिख रहा होगा, इसमें ये वाला कोण, इसका नाम कुछ भी ले लेते हैं, BBDM लिख देते हैं, चलिए कोण BDM, ये BDM एक कोण हो गया, दूसरा वाला ये 90 है और तीसरा वाला ये खुद A है, तो ये बराबर हो जाएगा 180 अंश के, फिर से पक्षांतर कर देंगे तो कोण BDM बराबर आ जाएगा, 180 में से 90 घटाएंगे 90 बचेगा ऋण A, तो ये हो गया हमारे पास समीकरण नंबर दो। अब इन दोनों समीकरणों के बच्चों देखिए दाएं भाग बराबर आए हैं तो बाएं भाग भी बराबर होंगे, तो बस सीधे लिख देंगे समीकरण एक व दो से कोण C बराबर हो जाएगा कोण D के, मतलब कोण BDM के, क्योंकि D में कई सारे कोण हैं, तो कोण C बराबर हो जाएगा कोण BDM के। इसको समीकरण नंबर तीन बना के छोड़ दे रहे हैं। अब इन दोनों त्रिभुजों को समरूप दिखाएंगे, बस नाम बड़े ध्यान से लिखने हैं। देखिए C वाला D इसके बराबर आएगा तो C के सापेक्ष ये आना चाहिए, ये दो त्रिभुज हैं अलग अलग आपको बताए बना दे रहे हैं हम, अगर अभी भी कहीं कन्फ्यूजन की दशा हो, ये है D, ये है M और ये है C, और उसी तरह से ये दूसरा वाला ऐसे बना देते हैं थोड़ा ऊपर, तो ये है D बिंदु, ये है M बिंदु और ये है B। देखिए ये दोनों तो 90 हैं तो M के साथ M आना चाहिए, और इधर C वाला इधर इस D वाले के बराबर आया है, तो नाम ऐसे देंगे कि C के साथ D आए, तो बस चलिए लिखते हैं सब फटाफट। पहले कोई भी त्रिभुज चूज कर ले रहे हैं, मान लीजिए यही चूज कर लिया CDM, तो हमने लिख दिया त्रिभुज CDM व त्रिभुज C के साथ, अब क्या आएगा C के साथ बच्चों कौन सा आएगा, देखिए D, तो व त्रिभुज D, M के साथ M ही आ जाएगा, मतलब B बीच में आ जाएगा, तो DBM के। वैसे भी हमें मालूम है कि ये वाला इस किसके बराबर आ जाएगा, इस वाले A के, जिसको हमने A ले लिया है, तो देखिए CDM त्रिभुज CDM व त्रिभुज DBM में। अब इनको समरूप दिखाना है तो फटाफट लिख देते हैं, सबसे पहले तो यही पार्ट लिख देते हैं, C वाला तो मतलब C वाले के लिए DCM, अगर हमने यहाँ से लिख दिया कोण DCM बराबर हो जाएगा इधर BDM के, ये ऊपर देखिए लिखा है हमने, बराबर हो जाएगा कोण BDM के, रेफरेंस दे देंगे कहाँ से आया, ये बात आई समीकरण नंबर तीन से, इसका रेफरेंस हो गया, ये समीकरण नंबर तीन से बराबर आ गया। उसके बाद M वाला दोनों में 90 है तो CMD ऐसे लिखेंगे, कोण CMD ये बराबर होगा कोण DMB के, ये बराबर होगा कोण DMB के, देखिए कहाँ है CMD ये बराबर होगा कोण DMB के, और क्यों बराबर होंगे, क्योंकि दोनों ही बच्चों 90 अंश के हैं, इसलिए दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो इस दशा में हम लिखेंगे देयरफोर त्रिभुज CDM समरूप हो जाएगा त्रिभुज DBM के, कोण कोण समरूपता द्वारा ये दोनों त्रिभुज बच्चों समरूप हो गए, और अब जब ये समरूप हो गए तो प्रोपोर्शनलिटी लगाते हैं, तो प्रोपोर्शनलिटी में क्या आएगा, CD बटे DB बराबर DM बटे BM बराबर CM बटे DM। अब देखिए हमें लाना क्या है, DM स्क्वायर, मतलब केवल इन दोनों को ले रहे हैं, तीनों गुणा कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा DM का वर्ग बराबर, और ये आ जाएगा BM या CBM इंटू CM, यहाँ पर MC लिखा हुआ एक ही बात है, तो अब देखिए जरा हमारे पास जो लाना है उसमें DM स्क्वायर तो आना है, ये DM स्क्वायर आ गया, ठीक है ये बात तो हमें लानी है,
बराबर डी एन इंटू एम सी, तो ये सी एम को एम सी ही लिख लेते हैं तो और अच्छा रहेगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इस प्लेस पे, और ये एम सी मिल गया हमें। अब एक्स्ट्रा क्या है यहाँ पर, देखिए बी एम, यहाँ पर बी एम आया है और डी एन लाना है। अब चित्र में देखिए क्या बी एम और डी एन बराबर होंगे, अरे वाह, तो बराबर होंगे क्योंकि ये एक आयत होगा, तो बस थोड़ा सा इसको लिख के बता देंगे कि हाँ भाई एक आयत है और आयत की सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो अब देखिए यहाँ पर डी एन और बी एम ये आपस में समांतर होंगी, या ऐसे लिख देते हैं यहाँ पर चतुर्भुज डी एम बी एन, डी एम बी एन एक आयत होगा क्योंकि इसका प्रत्येक कोण 90 अंश है। और बच्चों किसी चतुर्भुज का अगर प्रत्येक कोण 90 अंश हो तो वो आयत हो जाता है। देखिए कैसे प्रत्येक कोण 90 अंश है, ये 90, ये 90, ये 90, तीन 90 हो गए तो चौथा ऑटोमेटिकली 90 आ जाएगा क्योंकि चारों का योग 360 होता है। तो इसको बहुत ज़्यादा दिखाने की आवश्यकता नहीं है, बस इतना ही लिखना पर्याप्त है। और जब ये आयत है तो उस दशा में बच्चों कौन कौन किसके बराबर हो जाएगा, बी एम और डी एन आपस में बराबर हो जाएंगे। तो हम लिख देंगे इस दशा में बी एम बराबर डी एन, और लिख देंगे इसको कोई समीकरण मान लेंगे। मान लीजिए यहाँ पर इसको मान लिया हमने एक दो तीन हो चुके हैं चौथा, और कारण दे देंगे कि आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। अब इसको रिप्लेस कर देंगे, अब यहाँ से ये पंक्ति फिर से उठाएंगे हम कि डी एम का वर्ग बराबर बी एम इंटू एम सी, और बस इसको रिप्लेस कर देंगे तो डी एम का वर्ग बराबर आ जाएगा डी एन इंटू एम सी, और ये कहाँ से रिप्लेस किया, समीकरण संख्या 4 से, और ये हो गया प्रथम भाग सिद्ध। तो लिख देंगे प्रथम भाग सिद्ध हुआ, फर्स्ट पार्ट प्रूव्ड हो गया बच्चों। अब सेकेंड पार्ट देखते हैं क्या है इसका, सेकेंड पार्ट लिखते हैं डी एन स्क्वायर, इसका सेकेंड पार्ट लिखते हैं, यहाँ पे लाना है डी एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी एम इंटू ए एन, डी एम इंटू ए एन। चित्र में देखिए जरा कहाँ है डी एन स्क्वायर, यह है डी एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी एम, ये है डी एम इंटू ए एन। बिल्कुल बच्चों सेम प्रश्न है, अगर हम चित्र को ऐसे घुमा दें तो बिल्कुल यही चीज़ आ जाएगी। देखिए यहाँ पे क्या था, डी एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी एन, हमने बस बी एम की जगह डी एन इन्होंने प्रश्न वालों ने चला के दिखा कर दिया है। अगर यहाँ पे बी एम होता तो तुरंत हो जाता ये, मगर ये बी एम की जगह डी एन कर दिया और इधर सी एन रहने दिया, सी एम रहने दिया, देखिए या एम सी रहने दिया। उसी प्रकार से दूसरा वाला भाग है, क्या चालाकी दिखाई, डी एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पर देखिए जरा दूसरे वाले भाग में क्या लाना है, डी एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी एम। अब डी एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी एम जबकि होना चाहिए बी एन, कोई बात नहीं, बी एन बी एन और डी एन डी एम तो आपस में बराबर होंगे, बी एन और डी एम आपस में बराबर होंगे, आयत की सम्मुख भुजाएं रिप्लेस कर सकते हैं। तो बस तो ये हमें क्या लाना है, डी एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी एम इंटू ए एन, ए एन तो वैसे ही ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया था, तो बिल्कुल प्रथम भाग की भांति आप इसको हल कर लेंगे बच्चों। तो ये आपको हम होमवर्क में दे रहे हैं, इसको आप फर्स्ट पार्ट की तरह एज इट इज़ आप प्रूफ कर सकते हैं। चलिए बच्चों धन्यवाद।